देखिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर सबसे पहले तो मैं सब महिलाओं को इसकी शुभकामनाएं देती हूं, मुबारकबाद देती हूं। और मेरे ख्याल से एक दिन निश्चित किया गया है जिसमें कि आप सब महिलाओं को आप पुरस्कृत करते हैं उनके कार्य के लिए, उन जो भी कार्य क्षेत्र में जो अच्छी महिलाएँ जो काम कर रही हैं उनको पुरस्कृत किया जाता है। और मैं समझती हूँ कि ये अच्छा एक प्रयास है। अनुला जी, आपका जो कॉलेज है, आपके कॉलेज का बहुत बड़ा नाम है, और ये दिल्ली नहीं, भारत ने आपका विदेश में भी आपके जो पढ़ाई हुए स्टूडेंट है, जो आपके कॉलेज के जो स्टूडेंट है, वो बाहर जा रहे हैं, वो आपका नाम रोशन कर रहे हैं। देखिए, कालिंदी कॉलेज जो है उसको लगभग 50 वर्ष पूरे हो चुके हैं, और अभी नेक के द्वारा हमें एक ग्रेड भी दिया गया है जी। और ये बड़ी कालिंदी कॉलेज की मैं कहूँगी कि बहुत बड़ी उपलब्धि है कि वहाँ पे परसेंटेज जो है वो बहुत कम स्टूडेंट्स की आती है, लेकिन उनमें टॉपर्स निकलते हैं। और हमारे यहाँ साइंस है, कॉमर्स है और आर्ट्स है, और कुछ वोकेशनल कोर्सेज भी चल रहे हैं, और इस तरह कुछ एड ऑन कोर्सेज भी हम लोग चला रहे हैं, जिस लैंग्वेज कोर्सेज की हैं, जिसके ज़रिए हम बच्चों को डिग्री तो देते ही हैं, साथ में हम उनको एक हुनर भी देने की कोशिश करते हैं जिससे कि अपने वो जीवन को आगे बढ़ा सकें। हमने जो हिंदू कोड बिल की बात कर रहे थे, हिंदू कोड बिल है क्या ये महिलाओं के लिए? अगर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने क्या दिया था हिंदू कोड बिल का जो अभी चर्चा कर रहे हैं? देखिए, सबके अपने अपने व्यूज़ होते हैं, और हिंदू कोड बिल जो है अगर नहीं होता तो मुझे लगता है कि महिलाओं को सम्मान नहीं मिलता। और बहुत सही बात कही थी कि आप कानून बन जाते हैं, सब कुछ हो जाता है, लेकिन मैं समझती हूँ कि यहाँ पे महिलाओं का योगदान बहुत महत्व रखता है। अगर वो अवेयर हैं उन कानून के लिए, और उनमें इतनी सक्षमता होनी चाहिए, इतना उनमें हिम्मत होनी चाहिए कि वो उस कानून को अपना सकें और आगे बढ़ के उस कानून जो भी है, जो भी उनके साथ गलत होता है, आगे बढ़ के उसमें किसी तरह से भी उसमें इतनी क्षमता होनी चाहिए कि उसका वो मुकाबला करें और उसको समाज में फेस कर सकें। क्योंकि अभी जितना भी यहाँ जो महिलाएं वो नहीं, जो प्रतिभा वो हर एक क्षेत्र में अपनी प्रतिभा लेके आ रही हैं, लेकिन अभी तक किसी भी महिला ने बाबा साहब का नाम नहीं लिया। क्यों? क्योंकि आज जो महिलाओं को जो अगर देश की प्रधानमंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, आईएएस हैं, पीसीएस हैं या अन्य किसी क्षेत्र में, तो वो बाबा साहब के देन है। बिल्कुल सही कहा आपने, और मैं ये समझती हूँ कि बाबा साहब का जो नारा था, शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो, अगर शिक्षित नहीं होते तो ना संगठन सीखते और ना ही संघर्ष करते। तो मैं समझती हूँ कि अब तो बाबा साहब को हर कोई नाम लेना चाहता है, लेकिन अगर आप पिछले इतिहास में देखें तो बाबा साहब को कोई याद नहीं करता था। और जहाँ कॉन्स्टिट्यूशन की बात है, मेरे ख्याल से कि जो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जिसमें वो उन्होंने महिलाओं को अधिकार दिए, सबको अधिकार दिए, उनका नाम तो हर जगह सराहना चाहिए, लेकिन वो अभी भी नहीं किया जाता। अभी भी कुछ लोग हैं वो संकुचित रहते हैं उनका नाम लेने के लिए। आज महिला दिवस के उपलक्ष्य में आप क्या कहना चाहेंगे, क्या महिलाओं को? मैं महिलाओं को यही कहना चाहती हूँ कि आप जिस भी क्षेत्र हैं, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे कोई किसी कार्य कर रहे हों, कहीं अपना काम धंधा कर रहे हों, किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप को इतना सक्षम बनाओ, अपने आप को इतना सुरक्षित करो कि आपका नाम, आप स्वयं ही लोग आपका नाम जाने।